ज्ञान भक्ति वैराग्य से भरी परम पावनी श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान, जिसमें सच्चा प्रेम भरा हुआ है, मानव कुल कोटि के लिए दया भाव से ज्यादा प्रेम भाव से ओतप्रोत श्रीमद् भगवद गीता केवल ज्ञान ध्यान से नहीं, प्रेम भाव से भी मनुष्य आत्मा को परिवर्तन की दिशा दर्शाने वाली है। प्रेम ऐसी ताकत है जो भगवान की देन है और भगवान की सच्ची शक्ति है। प्रेम ऐसा निर्व्याज्य प्रेम, सच्चा प्रेम और रूहानी प्रेम की एहसास दिनालिमल जो आज मानव जीवन में कमी है, चारों ओर देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो सच्चा प्रेम होना चाहिए, दिल का प्रेम होना चाहिए, वो केवल वयो समान आकर्षण या दिखावा बन के रह गया है। जो हम सदियों से गाते थे ढाई अक्षर प्रेम का, केवल पुस्तकों में रह गया है। ऐसी परिस्थिति में स्वयं परमात्मा प्रेम का सागर, प्रेम का भंडार, गीता ज्ञान दाता खुद को, जिसने कहा सर्वलोक महेश्वरम, सर्व मनुष्य आत्माओं के पिता, पालनहार, माता, दाता, दया भाव से ही नहीं लेकिन प्रेम भाव से मनुष्य आत्मा को ऊंचा उठने की, अच्छाई की रास्ते चलने की, अपने मंजिल तक पहुंचने की जो हिम्मत दे रहे हैं। जी हाँ, हर मनुष्य आत्मा को कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने लक्ष्य से अटल विश्वास रख के उसी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, वो लक्ष्य हमें सदैव जीवन की दुविधा से बचाएगा। इसलिए तो हमारे जितने भी सेनानी हैं, योद्धा हैं, वो हमारे लिए हीरो लगते हैं। ऐसी ही एक घटना के साथ मैं आज की चिंतन माला शुरू करना चाहूंगी। कारगिल का युद्ध किसको याद नहीं है। अचानक चल पड़ी इस युद्ध में कितने जवानों ने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। लेकिन मैं आपके सामने ऐसे एक योद्धा की सच्ची कहानी को याद दिलाना चाहूंगी। एक था मनोज कुमार पांडे, जो अपने युवा अवस्था में माता पिता के हजार कहने पर भी न मानकर सेना का एक हिस्सा बन गया। उनसे पूछा गया, तुम क्यों सेना ज्वाइन करने जाते चाहते हो, क्योंकि वहां तो हर कदम पे खतरा है, जिंदगी से लड़ना पड़ता है। उसने कहा, मेरा एक ही लक्ष्य है जीवन में, मुझे परमवीर चक्र पाना है। बस जीते जागते सोते सदैव उसके सामने परमवीर चक्र हुआ करता था, जो भारत की सर्वोच्च सम्मान भी है। कारगिल के युद्ध में उसने एक ट्रूप का लीडिंग करते हुए ऐसे खतरनाक जगह पहुंचा जहां पर उसको पहले बाहों पर, बाद में पीठ पर, बाद में उसको जानलेवा गोली लग गई। इतना गोली लगने के बावजूद भी वो बोलता रहा, छोड़ना नहीं, अपने देश की रक्षा करना, माँ की लाज रखना, भारत माँ का सम्मान टूटने नहीं देना। ऐसे करते हुए अपने ऐसे हालत में भी दो चार शत्रु सैनिकों को मार गिराते भगवान को प्यारा हो गया और उसके मरणोपरांत उसको परमवीर चक्र प्रदान किया गया। और इतिहास तो आप सभी को याद है कि उसके बाद उसमें जो जोश था, उत्साह था, लक्ष्य को पहुंचने की जो पक्का इरादा था, जिसके कारण हमारी सेना ने कारगिल पर विजय पाई। और ऐसे सेनानियों की तो संख्या बहुत कम होने के बावजूद हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं, ऐसे सेनानी होने के कारण ही हम भारतवासी, देशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा देश प्रेम हर किसी को रोमांचित कर देता है और एक घड़ी खड़े होकर सैल्यूट करने का दिल करता है। जी हाँ, हम सदैव ऐसे वीरों की, जवानों की, बलिदान देने वालों की
कत्र करते हैं और सम्मान भी करते हैं दिल से। जैसे देश प्रेम के लिए हमारे अंदर उत्साह उमड़ता है, उसी तरह ईश प्रेम के लिए भी हमारे अंदर उत्साह उमड़ना चाहिए। जैसे देश प्रेमी जवानों के एक ही लक्ष्य होता है कि देश की रक्षा करना, जन्मभूमि की लाज रखना, और लौकिक में कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि, उनके सामने यही लक्ष्य होता है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। और जननी के बाद जन्मभूमि को ही इतना मान्यता मिलता है, जिसके कारण भरी जवानी में हजारों हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं। जितना जोश, जितना सम्मान देशभक्ति के लिए है, क्या इतना ही सम्मान, इतना ही प्यार हम सबके रचयिता जीवनदाता भगवान के प्रति है? जिस मिट्टी ने हमें अन्न दिया, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया, उस मिट्टी के लिए तो हजारों जवानी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जिस चेतना ने हमारा जीवन बनाया, जिस परम चेतना के कारण हम सब यहाँ मौजूद है, जिस परम चेतना के कारण आज के इस भयानक घोर कलयुग में भी हम अच्छी तरह से खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो क्या उनके लिए, उनकी इस परम प्यार के लिए हमारे अंदर श्रद्धा भाव होना जरूरी नहीं है? इसीलिए गीताचार्य भगवान मनुष्य आत्मा को ये याद दिलाते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। वैसे देखा जाए तो अध्यात्म साधक और देशक, रक्षक, सेनानी, इनमें ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों अपने को मिटाने के लिए तैयार रहते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बस लक्ष्य में अंतर होता है, वो देश के लिए और हम ईश के लिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। जो सतत मना निरंतर मेरे पास आने की इच्छा रखता है, ददामी ऐसे भक्त के लिए बुद्धियोगम ते, मैं बुद्धियोग दे देता हूँ, माना उसके लिए एक अच्छी बुद्धियोग की ताकत खोल देता हूँ, माम उपयान्ति ते। भगवान देखो कितना कुर्बान है हमारे लिए। इसलिए कहते हैं ईश्वर एक बलिदान ही तो चाहता है, शारीरिक बलिदान नहीं, मानसिक समर्पण चाहते हैं। ईश्वर के लिए मानव की समर्पणता ही सब कुछ है, इसीलिए तो हम परमात्मा के सामने नमस्कार करते हैं, वीरदंड नमस्कार करते हैं, शिरसाष्टांग नमस्कार करते हैं। ये सब किसकी सूचना है? शरीर के अष्टांग भूमि पे लगा के हम परमात्मा की नमन करते हैं, और नमन करते समय पूरी उंगली, 10 अंगुली मिला देते हैं और ऐसे नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, जो कुछ मेरा है सब कुछ तेरी देन है, तेरा तुझे समर्पण। जब हम परमात्मा के सामने सतत भक्तिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक अपने आप को समर्पण करते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तब परमात्मा भी हमारे बुद्धि योग को इतना तेज पुंज बना देते हैं, जिससे हम अपने आप को तो क्या परमात्मा को भी अपने करीब महसूस करते हैं। तो इसलिए कैसी भी कठिन परिस्थिति हमारे सामने आए, हम कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे हटे नहीं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सदैव आगे कदम बढ़ाते चले, ये हमारे जीवन में पक्का कर लेना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में हर जगह मनुष्य आत्मा को संशय की दृष्टि से ही देखने वाले मिलेंगे, और ऐसे देखेंगे कि हमारे विश्वास की दृष्टि भी संशय में बदले में देर नहीं लगेगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाशयात्मन आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। नाशयम आत्मभावस्थो, मतलब जिसमें आत्मभाव नाश हो रहा है उसके अंदर आत्मभाव को मैं जगाता हूँ, उसके अंदर के अंधकार को मैं मिटा देता हूँ, जो सतत मतलब निरंतर मेरे साथ अपने बुद्धि योग को बनाए रखता है। तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि
देखिए, हमारा अपना तरीका अलग है, भगवान का अपना तरीका अलग है। मैं आपको यहाँ पर एक भगवान का गणित याद दिलाने चाहूंगी। आप सभी ने सुना ही होगा, दो राहगीर अपने शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते चलते चल के जा रहे थे, पुराने जमाने की बात है। शाम हो गई, दूसरे शहर पहुंचने के लिए घना जंगल पार करना था। रात के समय बिना कोई सहारे चलने के लिए दोनों तैयार नहीं हुए। उस जंगल के किनारे एक मंदिर था। दोनों ने सोचा रात मंदिर में बिताएंगे। थोड़ा सा और अंधेरा ढला और एक राहगीर पहुंचा। तीन हो गए, तीनों ने मंदिर में रात गुजारने का निश्चय कर लिया। जैस रात होने लगी तो तीनों को भूख लगने लगी। उसमें से जो तीसरा आया हुआ था उसने कहा, मुझे तो भूख लग रही है, लेकिन क्या करें, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो पहले जो दो राहगीर आ गए थे उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास खाना है, मिल बांट के खा लेंगे। तो उनमें से एक व्यक्ति के पास तीन रोटी थे, एक व्यक्ति के पास पांच रोटी, मिलके आठ रोटी थे, लेकिन खाने वाले तीन थे, कैसे बांटे? तो अब एक ने कहा, कोई बात नहीं, हम एक रोटी का, हर एक रोटी का तीन टुकड़ा करेंगे। तो आठ रोटी का 24 टुकड़े बन जाते, एक एक आठ आठ टुकड़ा खाएंगे तो इक्वली है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे ही किया, आठ रोटी को 24 टुकड़ों में बांटा और एक एक ने आठ आठ टुकड़ा खा लिया, पानी पी ली, ऊपर से रात सो गए। सवेरा हो गया, जो तीसरा राहगीर आया था उसको जल्दी जाना था। उसने कहा, मुझे जल्दी जाना है, आपने रात को मेरी शुदा मिटाई, मतलब भूख मिटाया, खाने के लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ऐसे ही मैं आपके हाथ का खाना नहीं खा सकता हूँ ना, ऋण हो जाएगा। मैं आपको आठ सोने के सिक्के देता हूँ, जिस आठ टुकड़े आपने खिलाया इसके लिए। तो वो आठ सोने के सिक्के देके चला। अब ये आठ सोने के सिक्के दोनों को बांटने थे, तो तीन रोटी वाले ने कहा कि चार चार बांट लेते हैं, तेरे को चार और मेरे को चार। लेकिन पांच रोटी वाले ने कहा, एक ऐसे हो सकता है, मेरा पांच रोटी और तेरा तीन रोटी, तेरे को तीन सिक्के और मुझे पांच सिक्के। दोनों में बहस छिड़ी। उतने में मंदिर के पुजारी पहुंचे, उन्होंने कहा, क्या बहस कर रहे हो? इन दोनों ने बताया कि क्या बात है। तो पुजारी ने कहा, आपस में क्यों लड़ रहे हो, भगवान से पूछ लेते हैं ना, ये आठ सिक्के यही रखिए, आप लोग वैसे भी शाम को लौटने वाले हैं, लौटते समय लेके जाना, मैं भगवान से पूछ लूंगा। दोनों चल पड़े। फिर भगवान के सामने पुजारी जी ने आठ सिक्के रखे, पूजा पाठ किए, दोपहर चढ़ गई, धूप बहुत था, पूजा पूरा करने के बाद पुजारी वहां ही लेट गए। पुजारी जी को आंख लग गई, आंख लगने के बाद स्वप्न में भगवान प्रत्यक्ष हो गए और भगवान के सामने इन्होंने अपनी समस्या रखी। ये दो लोग हैं, शाम को आएंगे, इनको सिक्के बांटना है, मेरे ख्याल से तीन और पांच बांटना ही सही है, तीन वाले को तीन, पांच रोटी वाले को पांच। भगवान जी, आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? भगवान ने कहा, मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं मेरे हिसाब बताऊं। तो पुजारी ने कहा, हाँ बताओ। तो भगवान ने कहा, देखो, रोटी थे आठ, तीन तीन टुकड़े किए गए, एक ने आठ खाया, सभी ने एक आठ आठ खाए, लेकिन तीन रोटी वाले की नौ टुकड़े हुए थे, है ना, नौ टुकड़ों में खुद उसने आठ टुकड़े खाए और एक टुकड़े ही दान किया उसने, और ये जो पांच रोटी वाला था इसके 15 टुकड़े हुए थे, इसने खुद आठ टुकड़े खाए और सात टुकड़े इसने दान किए। इस हिसाब से, मेरे हिसाब से, तीन रोटी वाले को एक सिक्का और पांच रोटी वाले को सात सिक्का मिलना चाहिए, क्योंकि भाग्य कभी जितना है तेरे पास इसके आधार से नहीं मिलता है, भाग्य मिलता है तुमने जितना दिया उसके हिसाब से। तो भाग्य कैसे मिलेगा, तीन रोटी वाले ने एक ही टुकड़ा दिया, पांच रोटी वाले ने सात टुकड़ा दिया, जितना दिया दूसरे के लिए दान किया उस हिसाब से मिलना चाहिए। देखिए, यह है भगवान का गणित, मनुष्यात्माओं का गणित अलग
और भगवान का गणित अलग है। इसी हिसाब से मैं आपके सामने जो बातें रख रही हूं, भगवान कह रहा है कि जो मनुष्यात्मा सदैव मुझे याद करता है, जो पहले भी हम सुने थे, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम, ये जो हम सुने थे, इसलिए अभी भगवान कहता है अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः तेषां एवं अनुकंपार्थम। जो मनुष्यात्मा परमात्मा के साथ सब कुछ अपना न्योछावर कर देता है, उसके प्रति मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर देता हूँ, उसका बुद्धियोग बढ़ा देता हूँ, उसके प्रति अनुकंपा के भाव से मैं उसको इतना ज्ञानपूर्ण बना देता हूँ, मेरे अंदर के सारे ज्ञान बरसा देता हूँ, वो आत्मा नाशवान स्थिति में होने के बावजूद भी उसके अंदर का अंधकार मैं मिटा देता हूँ। देखिए, हमने केवल अपना स्वार्थ त्याग किया, हमने अपने मन में अनेकों के प्रति जो भावनाएं थी वो एक में एकत्रित किया, एक ही परमात्मा को सब कुछ माना, अपना समय संकल्प दृष्टि सब कुछ परमात्मा के हवाले किया, बस इतना ही किया हमने, जिसके फलस्वरूप परमात्मा हमारे ऊपर प्रीति पूर्वकम, वो भी कैसे देगा, गिन गिन के व्यापारी जैसे, तुमने इतना दिया तेरा इतना हो गया, हिसाब करके नहीं, अंतकरण की प्रीति से परमात्मा उस आत्मा की अधोगति होने से उसे बचा देगा। जो नवे अध्याय में हम सुने थे, कितने भी दुराचारी क्यों ना हो, अगर वो परमात्मा के प्रति अपना श्रद्धा स्थिरता से बना रखता है तो ऐसे आत्मा की संपूर्णतः परमात्मा रखवाला बन जाता है। तो ये है, अभी हमें करना क्या है, परमात्मा ने तो अपनी ओर से या मैं क्या करूंगा ये बता दिया, लेकिन हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो डगमग की स्थिति रहती है ना, वो नहीं बताते कि बिल्ली के सिर पर किसी ने दिया रखा था और आपस में बैठ के खेलते थे, अगर दिया गिर गया तो सामने वाला हार गया, ऐसी एक राजकुमारी की कहानी आती है। बिल्ली के सिर पर दिया रखना माना कभी हलचल में आ जाना, इसी तरह हमारी भी बिल्ली माना क्या है, बहुत आश पाश चंचलता, लेकिन अगर मन के अंदर स्थिरता आई, एक बार स्थिरता से ही परमात्मा की ओर जाने की कमी है, इतना अगर कर लिया तो मनुष्य आत्मा को परमात्मा अच्छी तरह से सुरक्षित कर देगा। जिसे पहले भी सुना, अनन्याश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे परमात्मा हमारे अंदर की जो भी कमियां है वो सब भर देगा, अंधकार को मिटा देगा, ज्ञान से भरपूर कर देगा। अभी क्या हो गई है, हमारी श्रद्धा मनुष्यात्माओं में बढ़ गई है, हमारी श्रद्धा बाह्य दुनिया में बढ़ गई है, जिसके कारण अंदर अंधकार भर गया है, कूड़ा किचड़ा भर गया है, उसकी सफाई कैसे होगी, उसकी सफाई होगी एक ही लक्ष्य बनाए रखने से, जिसके बारे में हमने सुना कि एक ही विश्वास बनाए रखने से। वो विश्वास क्या है, हमारे साथ खुद भगवान है तो विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस विश्वास के साथ अगर हम परमात्मा को याद करते हैं सतत युक्तानाम, या इम्पोर्टेंट क्या है, एक दिन किया दोबारा नहीं किया ऐसे नहीं, निरंतरता चाहिए। जैसे कई बीमारियां हैं उसमें रेगुलर मेडिसिन लेने की जरूरत होती है, कई बीमारियां ऐसी है जिसको समय मतलब आज 11 बजे लिया तो कल भी 11 बजे ही लेना पड़ेगा, अगर ऐसे नहीं लिए तो उसके इफेक्ट नहीं होते हैं। ऐसी बीमारियां अगर एक डोज मिस कर दिए तो पुनः डबल डोज लेना पड़ता है, ऐसे बहुत सारी दुनिया में हम देखते हैं। यह शारीरिक बीमारियों की बातें कर रही मैं, तो आत्मा को भी सदियों से बीमारी लग गई है, जन्मों से लग गई है, बुराइयों की बीमारी, कमी कमजोरियों की बीमारी, संशय की बीमारी। आज दुनिया संशय की बीमारी के चलते ना सर्वनाश की ओर बढ़ रही है। बाप बच्चों पर विश्वास नहीं रखता, बच्चे बाप पर नहीं रखते, पति पत्नी के आपस में बनती नहीं है क्योंकि विश्वास नहीं है। संशय के कारण
हंसता खेलता परिवार टूट रहा है। इसलिए पहले चाहिए खुद पर विश्वास और भगवान पर विश्वास। जब दोनों विश्वास पक्के हो जाएंगे तो आपसी विश्वास भी बहुत अच्छी तरह से बनी रहेगी। जब आपसी विश्वास बना रहेगा तभी तो परिवार बचेंगे, तभी तो घर घर को हम स्वर्ग बना पाएंगे। जब घर घर स्वर्ग बनेगा तभी तो दुनिया को हम स्वर्ग बना सकेंगे। बोर्ड लगाने से स्वर्ग नहीं बनता है ना। कई आर्टिस्ट होते हैं, बहुत सुंदर आर्ट निकालते हैं उनके हिसाब से मॉडर्न आर्ट, लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आता है तो उसके ऊपर वो लिखते हैं दिस इज मॉडर्न एलिफेंट। हमको किसी भी एंगल से वो एलिफेंट नहीं लगता, लेकिन वो एलिफेंट देख के, मतलब ये आधुनिक हाथी है, हाथी देखने के बाद ही आपको लगेगा ये हाथी है, यूं ही देखने के बाद वो हाथी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि पता है वो हाथी जैसा होता ही नहीं है, उनका आर्ट ही अद्भुत होता है, कंफ्यूज। आजकल दुनिया भी यही हो गई है। जब ये मैं बोर्ड की बातें कर रही थी, स्वर्ग का बोर्ड लगाने से कोई घर स्वर्ग नहीं बन जाता, कोई शहर को वैकुंठ नाम लगाने से शहर वैकुंठ नहीं बन जाता। वहां रहने वाले वैकुंठवासी जैसे होने चाहिए, वहां रहने वाले स्वर्गवासी जैसे होने चाहिए। इसके लिए पहले मन को मंदिर बनाओ, घर को मंदिर बनाओ, बाद में तो दुनिया स्वर्ग बनेगी। मन को मंदिर तब बना सकेंगे जब मन में ईश्वर का वास होगा। इसको हमने गलत समझ लिया कि ईश्वर हमारे मन में वास करता है, नहीं। ईश्वर की याद सतत युक्ता नाम हमारे बुद्धि में रहनी चाहिए। जब ईश्वर का प्यार हमारे दिल में समाया हुआ होगा तभी हमारे घर में भी हम ईश्वर के प्यार की झलक फैलाएंगे। आपसी प्यार बना रहेगा, झूठ नाराजगी बैरत्व शत्रुता सब मिट जाएगी। इसलिए आइए हम सभी मिलके उस परमेश्वर परमात्मा की सतत प्यार से याद करेंगे और उनके प्रीति के हम हकदार बनेंगे। मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन की दिशा दर्शाने वाली ज्ञान भक्ति वैराग्य, इन तीनों का एक अद्भुत संगम ये परम पावनी गीता है। दोस्तों, समस्त मानव कुल के लिए यह गीता ज्ञान दया भाव के साथ साथ प्रेम भाव का भी एक अनुपम स्रोत है। आज मानव के जीवन में सच्चे प्रेम की कमी है। स्वार्थ भरा दिखावा करने वाला प्रेम तो हमें हर जगह दिखाई देता है। ऐसे में स्वयं प्रेम के सागर गीता ज्ञान दाता परमात्मा प्रेम भाव से हमारे विस्मित आत्म भाव को जगाकर हमें अधोगति से बचाते हैं। जो मनुष्य परमात्मा के प्रति सब कुछ न्योछावर करता है, परमात्मा भी उस पर अपना सब कुछ न्योछावर करते हैं। आज हमारा मन बाहरी आकर्षण में व्यस्त होने के कारण हमारे भीतर अंधकार हो गया है। दूसरों की कमियां खामियां हमारे अंतर मन में संग्रहित हो गई हैं। हमारे समाज में आज संशय के कारण किसी भी संबंध में आपसी विश्वास नहीं रहा, जिससे परिवार बिखर रहे हैं। एक स्वयं पर और भगवान पर निश्चय होने से आपसी विश्वास भी बढ़ेगा और फिर परिवार भी टूटने से बच जाएंगे। चले अपने मन को स्वच्छ करके घर घर को मंदिर बनाएं, फिर साथ साथ ये विश्व भी स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति।